Hey, what's up guys? Welcome back once again. दोस्तों आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो इस साल की बहुत ही बेहतरीन सर्वाइवल कहानी होने वाली, तो चलिए शुरू करते हैं। साउथ अफ्रीका का एक छोटा सा कबीला जहाँ पर हम एंड्रयू नाम के आदमी को देखते हैं जो पेशे से एक डॉक्टर और फादर दोनों हैं, पर आज वो बहुत ही ज़्यादा निराश है क्योंकि वो एक छोटे बच्चे की जान बचा नहीं पाए। लेकिन उसे ये नहीं पता कि कुछ ही देर में उसकी जान जाने वाली है क्योंकि वहाँ के लोग अब उसे ही मारने के लिए आ रहे हैं। उन्हें पता लग गया है कि एंड्रयू एक क्रिश्चियन है और उसकी वाइफ भी, इसीलिए वो फौरन जूलिया के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे एक बंदे ने बताया है कि कबीले के लोग हमें ढूंढ रहे हैं। यहाँ तक वो पहुँचने वाले हैं और उस समय जूलिया बच्चों को पढ़ा रही होती है। वो उन सभी चीज़ों को छोड़ छाड़ कर वहाँ से भागना शुरू करते हैं क्योंकि उन्हें अपनी जान सबसे ज़्यादा प्यारी है। दरअसल अभी तक किसी को पता नहीं था इनके धर्म के बारे में, न जाने किसने उन लोगों के कान भर दिए, और जब धर्म सर पर चढ़ जाता है तो क्या होता है हम सभी जानते हैं। वेल, इसी कबीले से थोड़ी ही दूरी पर एक छोटी सी हवाई पट्टी है जहां पर हम छोटे से प्लेन को खड़ा हुआ देखते हैं जिसका पायलट ब्रूम है। वो वहां के लोगों से परमिशन मांगता है कि कैसी भी करके उसे यहां से उड़ान भरने दे, उसे परमिशन दे दे, लेकिन वो नहीं मानते क्योंकि उसके पास सही डॉक्यूमेंट नहीं है और उसका प्लेन भी सही कंडीशन में नहीं है। तो वो इसका भी जुगाड़ निकाल लेता है, उसे रिश्वत दे देता है जिससे कि उसे परमिशन मिल जाती है। तभी उसे ये दोनों मिलते हैं जो कहते हैं कि उन्हें भी उसके साथ ले चले, पर ब्रूम उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए बताता है कि वो उनसे डबल पैसे लेगा और उन्हें अपना जितना भी सामान है यहीं सब छोड़ना होगा। अब एंड्रयू तुरंत ही मान जाता है क्योंकि इस टाइम सबसे जरूरी है उन्हें अपना जान बचाना, उसे उन लोगों के हाथों नहीं मरना, इसीलिए वो उस प्लेन में बैठ जाते हैं। इस प्लेन में दोस्तों टोटल 7 लोग थे और 8वां था ब्रूम जो कि उड़ान भर देता है, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। एंड्रयू को यकीन था कि वो आज जल्दी से घर पहुंचकर सबसे पहले अपने माँ बाप से मिलेगा, और आज तो इनका इम्तिहान होने वाला है क्योंकि कुछ ही देर में हवाएं बदलने लगती है, इनका प्लेन इधर से उधर डगमगाना शुरू हो जाता है। ब्रूम का कहना था कि ये उसका हर दिन का काम है, इसीलिए वो आराम से बैठे रहे, लेकिन थोड़ी ही देर में हालत बस से बदतर हो जाती है। प्लेन का एक इंजन फेल हो जाता है, दूसरा इंजन भी किसी भी समय खराब हो सकता है। इतने में ब्रूम देखता है कि फ्यूल का पाइप फट गया है, फिर क्या होना था, प्लेन तेजी से नीचे आना शुरू हो जाता है। पायलट कुछ नहीं कर पाता जिसे कुछ ही देर बाद वो जमीन से सीधा क्रैश लैंडिंग करता है जिसमें उनके प्लेन के परखच्चे उड़ जाते हैं। इनके चारों ओर रेगिस्तान बेहद इलाका है जहां पर खुले में शेर भेड़िए घूमते रहते हैं। मैक्स नाम का एक लड़का जिसकी बीवी की हादसे में मौत हो जाती है, वहीं जूलिया का पैर भी हादसे में टूट जाता है। उधर दूसरी ओर ब्रूम बाहर आकर देखता है तो दूर दूर तक कोई भी नहीं था, पूरा प्लेन बीच से अलग हो चुका था। अगर कोई मदद आएगी तो वो 2 हफ्ते के बाद ही, क्योंकि इनके ऊपर से अब 2 हफ्ते के बाद ही कोई प्लेन गुजरेगा, या उसे पहले कोई चमत्कार हो जाए, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो इन्हें हिम्मत रखनी होगी क्योंकि ऐसी चटकती धूप इंसान दर्द से पहले प्यास और भूख से दम तोड़ देता है। इसी दौरान थोंग नाम का आदमी आकर ब्रूम को खरी खोटी सुनाने लगता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारे प्लेन की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी फिर भी तुम उसे फ्लाई कर रहे थे। अब ब्रूम उसे कहता है कि ये समय बहस करने का नहीं है, हम अभी इस समय साउथ अफ्रीका के खतरनाक जंगलों के बीच में है जिसके चारों ओर शेरों का परिवार रहता है, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा शाम होने से पहले वरना वो सब रात में हमारा शिकार करने लगेंगे। मैंने मैप में देखा है कि पास में एक कबीला है जहाँ जाकर हम मदद मांग सकते हैं। तो सभी रेडी हो जाते हैं लेकिन एंड्रयू जाने से मना कर देता है क्योंकि वो जूलिया को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता, उसका पैर टूटा हुआ है, वो चल तक नहीं सकती, और इसीलिए वो उनसे कहता है कि तुम लोग जाओ, अगर मदद मिल जाए तो उन्हें हमारे लिए भेज देना। ये हम देख पाते हैं कि ब्रूम के पास एक बंदूक भी होती है जिसे वो अपने पास रख लेता है, लेकिन थोंग कहता है कि तुम्हें ये इन्हें दे देनी चाहिए क्योंकि ये अकेले है। लेकिन ब्रूम साफ साफ इनकार कर देता है और बोलता है कि उसे खुद की जान बचानी है ना कि दूसरों की। अब कुछ देर चलने के बाद मैक्स ब्रूम से कहता है कि हम गलत दिशा की ओर जा रहे हैं, तुम्हें दूसरी ओर जाना चाहिए, लेकिन ब्रूम किसी की नहीं सुनता और कहता है कि वो हर हफ्ते इस रास्ते से उड़ान भरता है, उसे अच्छे से पता है कि इस रास्ते के बारे में सारे लोग वैसे भी अनजान होते हैं इस जगह को लेकर सिवाय ब्रूम के, इसीलिए वो उसके पीछे पीछे चल देते हैं। और चलते चलते उस जगह से काफ़ी दूर आ जाते हैं जहाँ पर इन्हें सिर्फ रेगिस्तान ही मिलता है, ना तो कोई इंसान है और ना ही उसकी जात। ट्रॉट नाम का बंदा थक कर वहीं गिर जाता है, तब ब्रूम उसे पानी देता है और उठने को बोलता है क्योंकि अभी उसे थोड़ी दूर और चलना है। वो खड़ा हो जाता है और फिर से चलना शुरू कर देता है। ये चारों एक ऊंची चट्टान पर पहुंच जाते हैं जहां से ब्रूम का मानना था कि इसके आगे वो गांव मौजूद है, उन्हें दिख जाएगा
पर दोस्तों जब वो वहां पहुंचते हैं तो सिर्फ उन्हें अपने सामने ना खत्म होने वाला रेगिस्तान ही दिखाई देता है, कुछ भी नहीं, जिसको देखकर सभी मायूस हो जाते हैं। पर मैक्स तो ब्रूम के ऊपर ही गुस्से के मारे चढ़ जाता है। वो बार बार उसे यही बात कहता है कि तुमने हमें गलत रास्ता दिखाया, मैंने बोला था कि हम गलत रास्ते की ओर जा रहे। बात इतनी बढ़ जाती है कि वो उसकी बंदूक निकाल लेता है और फिर उसकी ओर तान कर कहता है, मन तो मेरा भी अभी यही कह रहा है कि तुम्हें शूट कर दूं। पर थ्वांग उसे शांत करता है और कहता है कि अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे तो जल्दी हमें प्यास लग जाएगी और हम थक भी जाएंगे, इसीलिए जल्दी से हमें उस प्लेन के पास पहुँचना होगा, देन कल हम दूसरी दिशा की ओर बढ़ेंगे। वहीं दूसरी ओर हम एंड्रयू को देखते हैं जो जूलिया के पास बैठा हुआ उसकी रक्षा कर रहा था, लेकिन उसे अपने पास कुछ महसूस होता है। दरअसल कुछ शेर जिन्हें खून की स्मेल आ गई थी वो उनसे थोड़ी ही दूरी पर मौजूद थे। इसी दौरान जूलिया उससे कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है, वो जब घर पहुँच जाएंगे तो एक बच्चे की प्लानिंग करेंगे और एक अच्छी सी फैमिली बनाएंगे। वहीं दूसरी तरफ मैक्स फैसला करता है कि वो आज ही उस दिशा की ओर जाएगा, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि अंधेरा होने वाला है और वो नहीं मानने वाला था, इसीलिए वो बंदूक लिए अकेले ही चल देता है उस दिशा की ओर और अपनी मौत की दावत देने के लिए। अब ये तीनों अकेले ही बचे हैं, इसीलिए वापस लौटने लगते हैं, लेकिन अब इनके अंदर और ताकत नहीं बची चलने की, इसीलिए ये थक कर वहीं गिर जाते हैं। पर ब्रूम उन्हें दिखाता है कि देखो थोड़ी ही दूर रह गया है, जिससे कि वो फिर से खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें चारों ओर खून और सिर्फ पंजों के निशान दिखते हैं। वहाँ एंड्रयू और जूलिया भी मौजूद नहीं थे, ऐसा लग रहा था कि किसी को बेरहमी से मारा गया। ब्रूम वहीं चारों ओर देखने लगता है कि एक्चुअल में यहाँ हुआ गया, तभी पीछे से उसके ऊपर हमला होता है जो किसी और ने नहीं बल्कि एंड्रयू ने किया था। वो उसे चीख चीख कर कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी बीवी की जान चली गई, उसे शेर अपने साथ ले गए, अगर तुमने बंदूक दे दी होती तो मैं उसे बचा सकता था। अब वो उसे मानने वाला होता है कि इतने में थॉन्ग फ्लेयर चलाकर उन दोनों को अलग करता है, जिसे कुछ देर तो किसी से बात नहीं करता। पर फिर ब्रूम थॉन्ग के पास आकर उसे बताता है कि उसके पास प्लेन का कैबिन है जो कि लॉक्ड हो सकता है, लेकिन उसमें सिर्फ तीन ही लोग आ सकते हैं। अब आज की रात किसी को तो बाहर ही गुजारनी होगी, और वो इस बात को लेकर एंड्रयू के पास जाता है, पर वो तो उल्टा ब्रूम को सुनाने लगता है। दरअसल उसका कहना था कि ब्रूम जानवरों की सींगों की तस्करी करता है, इसीलिए उसके प्लेन में लोड ज्यादा हो गया और कहीं जगह छेद भी हो गया, और इसी वजह से उसका प्लेन क्रैश हुआ और वो लोग यहाँ फंस गए। लेकिन थॉन्ग उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इंजन खराब हो गया था इसीलिए ये सब हुआ। इस चीज़ के बाद वो लोग टॉस करते हैं जिससे कि डिसाइड हो सके कि कौन आज बाहर सोएगा। अब सिक्का उछलता है और बारी होती है ट्रॉट की, जो कि बहुत ही ज्यादा डर रहा था। तो एंड्रयू उसे अपना लॉकेट देता और कहता है कि अब बस गॉड को याद करना, वो तुम्हें कुछ भी होने नहीं देगा। जिसके बाद वो तीनों खुद को कॉकपिट में एडजस्ट कर लेते हैं और गेट को बंद कर देते हैं। उन्होंने ट्रॉट को समझाया कि आग को बुझने मत देना, उसे जलाए रखना, जिससे कोई भी जानवर तुम्हारी ओर नहीं आएगा। तो वो ऐसा ही करता और पूरी रात वहीं बैठा रहता। उधर देर रात इन्हें गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है, दरअसल मैक्स अभी भी चले ही जा रहा है। इतने में मैक्स शूट करना शुरू कर देता है, जिससे कि शेर भड़क जाते हैं और उसे कच्चा ही खा जाते हैं। इधर कुछ समय बीत जाने के बाद एंड्रयू को टॉयलेट आता है, जिसे करने के लिए वो बाहर जाता है, पर उसे ये खबर नहीं लगती कि उसके पीछे पीछे एक कोबरा उनके कॉकपिट में घुस गया है। वो बाहर आकर ट्रॉट को भी जागने को कहता है और फिर अंदर जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी आँख लग जाती है। यहाँ एक गलती हो जाती है, वो दोस्तों वो आग बुझ जाती है और फिर क्या था, वो सभी शेर एक साथ उस पर हमला करते हैं। उसकी चीखें इन्हें सुनाई तो दे रही थी, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि बाहर आकर उसकी जान बचा ले। और इतने में गलती से थॉन्ग से गेट खुल जाता है और वो देखता है कि वही सभी शेर एक साथ मिलकर ट्रॉट को खा रहे, और एक शेर इन्हें देख भी लेता है, पर इतने में वो गेट को बंद कर देते हैं। लेकिन यहाँ इनके लिए एक और मुसीबत इंतजार कर रही थी, वो सांप तो आपको याद ही होगा। जी हाँ, वही सांप जिसने अब थॉन्ग को काट लिया है। पर समय रहते ही ब्रूम उसके पैर पर चाकू मारकर उस जहर को शरीर में फैलने से रोक देता है और उस सांप को भी मार देता है, जिससे सभी की जान बच जाती है और थॉन्ग भी उस जैसे तैसे भयानक रात कट जाती है। अब सुबह का सूरज निकलता है, सबसे पहले एंड्रयू बाहर जाता है और चुपचाप जाकर पेड़ के सहारे बैठ जाता है। बाहर हम देख पाते हैं कि पूरे प्लेन के पास खून ही खून मौजूद था। तब ब्रूम उसके पास आकर उसे बताता है कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि वो किसी भी समय दोबारा आ सकते हैं, और बिना खाना और पानी के इतने दिन हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एंड्रयू अब थक चुका है, वो कहीं भी जाने को मना कर देता है। उसकी तो पूरी दुनिया ही खत्म हो गई थी, एक जूलिया ही थी, पर अब वो भी नहीं रही।
ब्रूम ज्यादा जिद नहीं करता और फिर थोंग को प्लेन से बाहर लेकर आता है। उसका एक पैर सुन्न हो चुका था, इसीलिए वो उसे एक लकड़ी देता है जिसके सहारे वो लोग वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी उनके साथ चमत्कार होता है, दूर से उन्हें आती हुई एक कार दिखती है, जिसे देखकर ब्रूम एंड्रयू को आवाज लगाता है और कहता है कि हमारी जान बच गई। लेकिन जब वो करीब आते हैं तो देखते हैं कि वो तो असल में उसी कबीले के लोग हैं जो एंड्रयू को ढूंढ रहे थे। वो पास आते ही उसे पकड़ लेते हैं और उसे बहुत बुरा भला कहना शुरू कर देते। थोंग उनके ही कबीले का था, इसीलिए वो उसे अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करता, पर वो किसी की नहीं सुनते और एंड्रयू से कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर आकर हमारे ही लैंड पर चोरी करते हो। पर ये सब कम था कि तभी उनकी नज़र उस तस्करी वाले सिंहों पर पड़ जाती है, जिससे वो और भी ज़्यादा गुस्से में आते और अब तो वो एंड्रयू को शूट ही करने वाले होते हैं कि तभी ब्रूम कहता है कि अब मैं इसकी तस्करी करता हूँ। थोंग इन लोगों को समझाता है कि हमारा प्लेन क्रैश हो गया, हम कुछ नहीं जानते, पर मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारा लैंड है और मैं भी इसी लैंड का हूँ। इससे आगे वो कुछ और बोल पाता कि इतने में वो आदिवासी उसे गोली मार देता है, जिससे सभी लोग शॉक हो जाते। अब बचे हैं सिर्फ दो लोग जिसके ऊपर वो बंदूक तान कर खड़े हो जाते। उन्हीं में से एक कबीला वाला कार को लेकर वापस चला जाता है ताकि वो एक ट्रक ला सके और इन सींगों को ले जाने के लिए। अब ऐसे ही बैठे बैठे सुबह से शाम हो जाती है। वो इन्हें पानी का लालच देकर परेशान करता है लेकिन देता नहीं है, और ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगता है। हम देख पाते हैं कि उन दोनों शिकारियों की आंख लग जाती है, जिसका फायदा ब्रूम उठाने की कोशिश करता है। वो धीरे धीरे उस शिकारी के पास जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है वो नींद से जाग जाता है। उसे गोली मार देता है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है कि गोली चलती ही नहीं। इसी का फायदा उसका दूसरा साथी उठाता है, लेकिन इतने में पीछे से एंड्रयू आ जाता है और उसकी ही बंदूक से उसे मार डालता है। लेकिन उसे मारते हुए वो रोना शुरू कर देता है, क्योंकि वो तो एक डॉक्टर है, उसका काम है लोगों को बचाना, ना कि उनकी जान लेना, और आज उसके हाथों बहुत बड़ा पाप हो गया। पर ब्रूम उसे समझाता है कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, या तो हम खुद की जान बचाते या फिर इनकी। वो एंड्रयू से कहता है कि हमें आगे चलना चाहिए, वो लोग किसी भी समय यहाँ पर आते ही होंगे, और उन्होंने अगर अपने लोगों को मरा हुआ देखा तो हमारी तो खैर नहीं है। लेकिन एंड्रयू की हालत अब ठीक नहीं है, वो कहीं भी जाने से मना करता, पर ब्रूम नहीं मानता उसके और उसके कंधे से कंधा मिलाकर वहाँ से आगे की ओर बढ़ने लगता। एंड्रयू का पैर जख्मी था, उसमें गोली लगी थी, इसीलिए वो थोड़ी ही दूर जाने के बाद गिर जाता। तब ब्रूम उसे कहता है कि वो सामने देखो, उस चट्टान तक तुम्हें जाना है, वहां पर कोई भी शेर नहीं आ सकते, मैं तुम्हें वहीं छोड़ दूंगा, फिर मदद लाने के लिए उस गांव की ओर निकल जाऊंगा। उसकी बातों को सुनकर एंड्रयू हिम्मत बांधता है और कदम बढ़ाना शुरू करता है। जैसे तैसे कर उस चट्टान तक पहुंच ही जाता है, लेकिन अब जब बारी आती है उस पर चढ़ाई करने की तो उसका शरीर जवाब दे देता है। इतने में ब्रूम देखता है कि कुछ ही दूरी से शेरों का झुंड वहां पर आ रहा है। अब वो उसे पीछे से धक्का देकर चढ़ाने की कोशिश करता है, पर उसका हाथ छूट जाता है और एंड्रयू नीचे गिर जाता है। वो शेर अब करीब आते जा रहे हैं, इसीलिए इस बारी वो उसे खुद उठाता है और जैसे तैसे करके उस चट्टान के टॉप पर ला ही देता है, जहाँ उसे कुछ ही दूरी पर आग जलती हुई दिखती है, यानी कि वहां पर वो गांव वाले मौजूद हैं जो उन्हें बचा सकते हैं। पर अभी ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई है, क्योंकि वो शेर अब करीब आ गए, वो अब चट्टान के ऊपर चढ़ने की भी कोशिश करते हैं। उन्हें ये दोनों दिख तो नहीं रहे थे क्योंकि ये छुपे हुए थे, लेकिन उन्हें बस खून की स्मेल आ रही थी। तभी ब्रूम को लगता है कि वो कुछ ही देर में चले जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं है, जिसके बाद एक बहुत ही कठोर फैसला लेता है। वो एंड्रयू से कहता है कि तुमने मेरी वजह से अपनी बीवी को खो दिया जो तुम्हारे लिए सब कुछ थी। उस दिन मेरी वजह से उस बच्चे की जान भी चली गई जिसका तुम इलाज कर रहे थे, क्योंकि मैंने तस्करी के चक्कर में टाइम पर सप्लाईज डिलीवरी नहीं की। मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। वो कहता है कि देखो, कुछ ही दूरी पर गांव है, मैं इन शूरों का ध्यान भटकाऊंगा और तुम वहां पर चले जाना। वहां ब्रूम उसे मना करता है ऐसा करने के लिए, लेकिन वो नहीं मानता और शेरों के आगे भागना शुरू करता है। वो जोर जोर से चिल्लाता है जिससे कि वो उसके पीछे पड़ जाते हैं और कुछ ही देर में उसे पकड़कर कच्चा ही खा जाते हैं। उसकी चीखे एंड्रयू सुन तो रहा था, लेकिन वो उसकी ओर देखता नहीं, क्योंकि वो मंजर बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होता है। अब बात के मुताबिक एंड्रयू वहां से जाने लगता है, पर उसके पैर में तो गोली लगी है जिसकी वजह से वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता, वहीं गिर जाता है। शायद उसे पता चल चुका था कि अब उसकी मौत तय है, क्योंकि तभी वहां पर कुछ भेड़िए भी आ जाते हैं। लेकिन एंड्रयू को ब्रूम की कुर्बानी याद आती है, वो उसे इतनी आसानी से जाया तो नहीं होने देगा, इसीलिए वो एक लकड़ी से उन्हें भगाने की कोशिश करता है, और इतने में जोर की बिजली कड़कती है जिससे कि वो सभी भाग जाते। अगले ही पल एक चमत्कार होता है, इस बीहल रेगिस्तान में बारिश होना शुरू हो जाती, पर अभी भी एंड्रयू चल नहीं पा रहा था। कुछ ही देर होश में रहने के बाद वो वहीं बीच में ही गिर जाता है। उसे सपना आता है कि उसकी वाइफ उसके सामने खड़ी है और उससे कह रही है कि बस थोड़ी देर और।
और वो बेहोश हो जाता है। और जब दोबारा बारिश रुकती है तो उसी गांव के लोग पानी को इकट्ठा करने के लिए सो रहे थे। उसे एंड्रयू गिरा हुआ मिलता है जिससे कि वो बचा लेते हैं और अपने साथ गांव ले जाते हैं। वेल इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। वेल दोस्तों, इस कहानी पर एम करते हैं 400 कमेंट का और 3000 लाइक का, जिसे पूरा जरूर करिएगा, जिसके बाद हम एक और सर्वाइवल स्टोरी लेकर आएंगे। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।